हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल फाइन। मैं नाम सत्यजीत, आप देखे सत्य गेम। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह पर दो न्यू इवेंट्स आए, जिस इवेंट्स को अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको परमानेंट सारी चीजें मिल सकता है, ठीक है? तो कैसे आपको क्या करना होगा वही आज इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं ट्रेजर हंटर्स। तो यहाँ पर आपको बैनर के यहाँ पर ही आपको देखने में आया होगा ट्रेजर हंटर्स करके। अगर आप वहां से नहीं कर पा रहे हो तो आप इवेंट सेक्शन के अंदर जाना, जाने के बाद रिकमेंडेड के अंदर जाना, जाने के बाद ट्रेजर हंटर्स करके एक अलग सेक्शन होगा, वहां पर जो आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको बोला जाएगा कि कुछ मिशन मिशन करना होगा। तो मैं उसको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट इवेंट के बारे में बताऊंगा। तो इस पेज को थोड़ा लोड होने देते हैं, ये थोड़ा धीरे धीरे लोड होता है। तो चलिए लोड होते आता है। हाँ, ये फाइनली लोड हो चुका है, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम जब आओगे तो आपका इंटरफेस ऐसा होगा, ठीक है? यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये आपको आउटफिट जो आप देख सकते हो, ये आउटफिट आपको मिलेगा। अभी ये परमानेंट है या टेम्पोररी है वो पबजी वालों ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, ठीक है? तो अगर परमानेंट होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पर कैसे करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जब आओगे तो आपको यहाँ पर ऐसा टाइप का एक लूप होगा जहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 लिखा हुआ है। तो ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है, इन जगह पर आपको एक मूर्ति जैसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, मैंने अपने सेकेंडरी अकाउंट के अंदर किया है। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने करने गया तो मतलब इतना रश हो रहा है वहां पर कि मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा था, तो इसलिए मैंने सेकेंडरी अकाउंट पर वो किया। तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 जो दिखा रहा है, तो आप जब स्पॉन आइलैंड पर जाओगे, मतलब मैच स्टार्ट करते हो ना, तो स्पॉन आइलैंड पर आप जब घूमोगे तो स्पॉन आइलैंड के तरफ ही उस तरफ, ठीक है, मतलब जहाँ पर स्टैंड स्टैचू था उसके उस तरफ पे एक स्टैचू होगा, ठीक है? स्टैचू के पास जब जाओगे तो टेक अ फोटो करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है? तो वहां पर जब आप टेक अ फोटो करोगे तो एक फोटो क्लिक हो जाएगा और वहां पर कुछ डोंट एम्ब्यूस ऐसा कुछ आएगा, तो वो हो जाने देना। उसके बाद आप बैक के अंदर चेक करना, आप देखना कि आपको एक फोटो जैसा मिल चुका है, ठीक है? इसके बाद आप स्टेबलर पर जब जाओगे, मतलब अगर आप गाड़ी लेकर स्टेबलर पर जाते हो या फिर स्टेबलर पर ही लैंड करते हो, तो वहां पर भी आप थोड़ा घूमना, वहां पर भी आपको एक स्टैचू जैसे देखने के लिए मिलेगा, वहां पर भी सेम टेक अ फोटो करना, ठीक है? जब करोगे तो वहां पर आपका हो गया। और उसके बाद आपको जो मतलब शेल्टर के वहां पर जो मतलब शेल्टर होता है ना, मतलब जहाँ पर हम अंडरग्राउंड जा सकते हैं, तो पहाड़ के एकदम सामने वाला जो शेल्टर का मुंह होता है वहां पर भी एक स्टैचू है, वहां पर भी जाना, चाह के टेक अ फोटो करना, तो फिर आपका मतलब वहां पर और एक पिक्चर क्लिक हो जाएगा। फॉर 9 इंसेंट स्टैचूज इन इरंगल शेयर द सीक्रेट कोर्स एंड लोकेट द ट्रेजर टूगेदर, ठीक है? अब ये जो आप देख सकते हो, या अभी आप सिर्फ 3 स्टैचू को ही कर सकते हो, ठीक है? ये नहीं कि आप, यहाँ पर बोला गया कि 9 सीक्रेट जो 9 एंशिएंट स्टैचू है वो ही आप एक बार में कर लोगे। नहीं दोस्तों, ये इवेंट आज से शुरू हुआ है और चलने वाला है आपका यहाँ पर 6 तारीख तक, मतलब 6 तारीख तक चलने वाला है। तो अभी आप ये 3 स्टैचू को ही फोटो ले सकते हो। 3 स्टैचू का जब फोटो ले लोगे तो आपका यहाँ पर 3 स्टैचू का काम हो जाएगा, ठीक है? 2 दिन बाद आपका यहाँ का जो 1 2 3 है वो लॉक हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो एरिया 2 है वो अनलॉक हो जाएगा, एंड उसी जगह पर आपको 4 5 6 देखने के लिए मिलेगा। उन 4 5 6 जगह पर जाना, वहां पर भी आपको ऐसे स्टैचू देखने के लिए मिलेगा, वहां पर भी जाकर आप पिक्चर क्लिक करना, तो आपका मतलब टेक अ फोटो करना, तो आपका वहां पर 4 5 6, मतलब यहाँ पर अगर 3 कर ले तो वहां पर 4 5 6 मतलब 6 हो जाएंगे। और उसके बाद जब एरिया 3 लॉक होगा, मतलब अनलॉक होगा, मतलब जब एरिया 2 भी मतलब खत्म हो जाएगा, एंड एरिया 3 जब अनलॉक होगा वहां पर भी 7 8 9 आ जाएगा। 7 8 9 मतलब जिस जिस जगह पर बोलेगा कि आपको जाना होगा तो उस जगह पर जाना, जाने के बाद टेक अ फोटो करना और आपको वहां से 7 8 9 वाला पिक्चर भी क्लिक हो जाएगा, एंड उसके बाद आपका यहाँ पर जो मिशन है वो कंप्लीट होगा, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम आओगे तो आपका यहाँ पर लॉक होगा, तो मैं आपको सेकेंडरी अकाउंट पे लाकर मतलब लेकर जाता हूँ, वहां पर आपको दिखाता हूँ कि जब आप अभी के 1 2 3 के जो मतलब पिक्चर लेने के लिए बोला वो जब कर लोगे तो आपका लुक कैसा होगा, ठीक है? तो चलिए जाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि हम अपने सेकेंडरी अकाउंट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको लेके जाता हूँ उस इवेंट के अंदर। तो आप इस अकाउंट पर देखना कि मैंने वो किया था, ठीक है? मतलब मैंने जो बोला कि मैंने उस मतलब स्पॉन आइलैंड पर जब मैं लॉबी मतलब मैच स्टार्ट किया था तो वहां पर ही एक मूर्ति मिला था, तो मैंने जाकर टेक का पिक्चर किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो वहां पर मैंने जब टेक पिक्चर किया तो मेरा यहाँ पर एक काउंट हो गया था, और उसके बाद मैंने स्टेबलर पर उतरा, स्टेबलर पर भी जब जाया मतलब गया गया जाके जाने के बाद वहां पर भी टेक का पिक्चर किया, तो वहां पर भी एक हो गया। और जो शेल्टर के पास वाला था वहां पर भी मैंने गया, तो वहां पर भी मैंने एक पिक्चर ले लिया, तो 3 हो गया। तो अभी फिलहाल के लिए जितने दिन तक एरिया 2 अनलॉक नहीं होता उतने दिन तक सिर्फ आप 3 स्टैचू को ही कर सकते हो, 3 स्टैचू का ही पिक्चर ले सकते हो, ठीक है? अगर आप सोचते हो कि अभी आप एक मतलब अभी अभी आप 9 इंसेंट सीक्रेट में जो स्टैचू है उसको अभी के अभी 9 को एक ही दिन पर कर लोगे, नहीं दोस्तों, ये जैसे जैसे अनलॉक होगा वैसे वैसे आपको मिलेगा, ठीक है? तो जैसे कि आप देख सकते हो
कि इसका लुक थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने इस सारे जगह पर गया जाके मैंने स्टैचू को पिक्चर लेकर मतलब टेक अ पिक्चर करके मैंने उन जगह को अनलॉक कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेरा अभी कुछ भी ऑन नहीं शो हो रहा है यहाँ पर करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एरिया टू के लिए मुझे वेट करना होगा। ठीक है, तो एरिया टू जब अनलॉक हो जाएगा तो मेरा यहाँ पर ये जो एरिया वन था तो वो लॉक हो जाएगा, एंड एरिया टू के अंदर 3, 4, 4, 5, 6 करके एक एरिया आ जाएगा, वहां पर भी मुझे जाना होगा, तो मुझे पिक्चर लेना होगा। तो फिर यहाँ पर मेरा 6 तक हो जाएगा, और एरिया 3 जब अनलॉक होगा तो यहाँ पर जो एरिया 1 एरिया 2 दोनों लॉक हो जाएगा, एंड एरिया 3 के अंदर मुझे जाना होगा 7, 8, 9 का पिक्चर लेना होगा। तो यहाँ पर मेरा टोटल 9 एंशिएंट स्टैचू जो जंगल के अंदर है उसके साथ पिक्चर लेना हो जाएगा, और आपका यहाँ पर टोटल मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। एंड जब वो कम्प्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखना कि अनलॉक मैप क्लोज, तो मतलब सर्च फॉर एंशिएंट है, तो इसके बाद आपका जो अनलॉक अल्टीमेट जो आउटफिट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये आउटफिट आपको अभी नहीं मिलेगा, ये आउटफिट आपको कुछ 6 तारीख के पहले नहीं मिल सकता है। ठीक है, मतलब 5, 4, 5, 6 इन दिनों के पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आउटफिट आपको ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दिया, तो जब आप कल मतलब इस जगह पर जाओगे एंड जाने के बाद जब पिक्चर ले लोगे तब मतलब इन तीनों जगह पर ही जाओगे, जाने के बाद जब आप पिक्चर ले लोगे तो यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर आपका ऐसा टाइप का एक सीक्रेट कोड आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो सीक्रेट कोड, फर्स्ट टाइम जब जाओगे मतलब आप इस इवेंट के अंदर जब फर्स्ट टाइम जाओगे तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आज का फ्रेंड फाइट ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, या आपका अनलॉक नहीं होगा, मतलब इसके मतलब ऐसा पिक्चर कोई भी नहीं होगा, तो आपका ऐसा ऐसा पिक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने गया है पिक्चर लिया है इसीलिए मुझे ये शो हो रहा है कि यहाँ पर सीक्रेट कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा ये जो 3.5 जगह था, इन सारे जगहों में जाकर मैंने इससे पिक्चर ले लिया है और मेरा यहाँ पर अनलॉक हो चुका है। एंड उसके मतलब जाने के लिए मतलब मैंने गया और जाकर मैंने पिक्चर लिया, इसके तौर पर मुझे एक गिफ्ट मिला है 100 AZ करेंसी, तो इसको चलिए हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा एजी करेंसी हमारा कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, वैसे ही जब 4, 5, 6 अनलॉक होगा मतलब एरिया 2 अनलॉक होगा तब आप 4, 5, 6 एरिया में जाना, जाने के बाद पिक्चर लेना, एंड वहां पर भी आपको एजी करेंसी या फिर दूसरा कोई रिवॉर्ड मिलेगा। एंड फाइनली जब 5, 7, 8, 9 जैसे होगा वहां पर भी आप जाना, जाने के बाद पिक्चर लेना, और जब आप तो इसके बाद आपका टोटल 9 सीक्रेट एंशिएंट मैप एंशिएंट स्टैचू आपका हो जाएगा। तो उसके बाद आपको वहां पर एक क्रेट मिलेगा, जिस क्रेट के अंदर आपको आउटफिट मिलेगा, वो परमानेंट है कि नहीं वो अभी पता नहीं है, हो सकता है परमानेंट ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोड क्या है, अब चलिए बढ़ते हैं कि यहाँ पर एक सीक्रेट कोड जैसा बोला गया है, तो ये सीक्रेट कोड एक्चुअली क्या है। तो आप आपके फ्रेंड्स को ये जो मतलब मेरा जैसा अनलॉक हो गया, जब आप अनलॉक कर लोगे तो आपको एक कोड मिल जाएगा। तो जैसे कि मुझे एक कोड मिल गया है, तो हो सकता है कि मेरा एक फ्रेंड है उसको मतलब जाना नहीं है, तो उसका डायरेक्टली अनलॉक करवा सकता हूँ अगर मैं उसको कोड दे देता हूँ। ठीक है, मतलब अगर मैं उसको 52907N जो कोड है मैं उसको दे देता हूँ, एंड वो उस कोड को लेके जब सीक्रेट कोड के यहाँ पर आएगा और यहाँ पर वो कोड डालेगा, डालने के बाद जब ओके पर दबा देगा तो उसका वो जो रीजन है वो अनलॉक हो जाएगा। मतलब उसका जैसे कि मेरा जो स्पॉन आइलैंड का था वो लॉक था, तो मैं स्पॉन आइलैंड का कोड अगर किसी को दे देता हूँ, मतलब किसी भी एक फ्रेंड को दे देता हूँ, वो फ्रेंड जब उस कोड को सीक्रेट कोड के अंदर डाल के ओके पर दबाएगा तो उसका ये 1 वाला जो स्पॉन आइलैंड का जो कोड है वो अनलॉक हो जाएगा, और उसको 2 और 3 करना पड़ेगा। अगर मैं 2, 3 भी कर देता हूँ, मतलब टोटल 1 का भी कोड दे देता हूँ, 2 का भी दे देता हूँ, 3 का भी दे देता हूँ, एंड सारे के सारे कोड वो डाल देता है, तो उसका 1, 2, 3 तीनों के तीनों अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फ्रेंड्स के हेल्प करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ बड़ा इवेंट नहीं है, बस आपको जाना होगा, जाने के बाद पिक्चर लेना होगा, जिस जिस जगह पर जाने के लिए बोला है, स्टेबलर, स्पॉन आइलैंड, और आपका स्पॉन आइलैंड जाना नहीं होगा, स्पॉन आइलैंड तो आपको मैच स्टार्टिंग के होने के टाइम ही आप पिक्चर ले लेना जल्दी से जाकर, और शेल्टर के वहां पर जाकर आपको पिक्चर लेना है अभी, और एरिया 2 जब अनलॉक होगा वहां पर भी आपको 4, 5, 6 रीजन बोला जाएगा, वहां पर जाकर पिक्चर लेना होगा, एंड एरिया 3 फाइनली जब अनलॉक होगा वहां पर भी जाना होगा, 7, 8, 9 के एरिया पर जाकर आपको पिक्चर ले लेना होगा। तो पिक्चर ले लोगे तो आपका टोटल अभी देख सकते हो कि 1, 2, 3 का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे इन्वेंट्री के अंदर है इस अकाउंट के अंदर। तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि अभी आपको मिल जाएगा। और इसके बाद चलिए बढ़ते हैं कि और एक इवेंट आया जिसका नाम है टैक्टिकल ड्रिल। ये ऐसा इवेंट खुद भी आया है एक बार, इस केस का स्किन के लिए आया था शायद से। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको चूज कर लेना होगा कि आपको कौन सा रिवॉर्ड लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रूकी पायरेट सेट लेने वाला हूँ, इसके बाद आपको क्लिक करके एक्टिवेट करना होगा, और आपको ध्यान में रखना होगा 72 आवर्स के पहले आप इसको फिर से चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान से चूज करना होगा कि आप कौन सा रिवॉर्ड लेना चाहते हो, एक्टिवेट एनीवे के ऊपर क्लिक करके ओके पर दबा देना है। तो जैसे देख सकते हो कि आउटफिट आपको मिल गया, लेकिन ये आपको परमानेंट नहीं मिला है अभी। ठीक है, ये आपको टाइम लिमिटेड के लिए मिला है, क्योंकि परमानेंट लेने के लिए आपको ओके पर दबाने के बाद आपको यहाँ पर देखो मिशन बोला गया है। ठीक है, ये मिशन को आपको करना होगा, तब जाके जब ये 100 पॉइंट तक रीच हो जाएगा तब आपको ये आउटफिट परमानेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप स्किन मतलब UMP 45 का स्किन के लिए करना चाहते हो उसका भी सेम होगा। ठीक है, UMP 45 के लिए भी शायद से ज़्यादा पॉइंट लगेगा, एंड
पैराशूट के लिए उससे थोड़ा कम लगेगा, आउटफिट के लिए 100 मांग रहा है। अभी जब आप आउटफिट के लिए पहली बार करोगे तो आपको 20 मांग रहा होगा, तो यहाँ पर चलिए एक कर लेते हैं, 21 मिला। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ कुछ मिशन दिए गए हैं, जिस मिशन को आपका डेली के डेली रिफ्रेश होता रहेगा, जैसे कि देख सकते हो 5:30 AM को आपका रिफ्रेश हो जाएगा ये मिशन। तो इसके अंदर 2-3 करके ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे, एंड ऐसे ऐसे पॉइंट करके जब आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा तो आपको ये आउटफिट मिलेगा, एंड वैसे ही UMP 45 का अगर करते हो उसका भी मिलेगा और पैराशूट का भी, ठीक है। अब ये नहीं कि आपको सिर्फ आउटफिट ही मिलेगा, आप अगर इसको जल्दी जल्दी कलेक्ट मतलब पॉइंट कलेक्ट करके, मतलब यहाँ पर परचेस पॉइंट मत करना, यहाँ पर आपका मिशन जो दिया गया है डेली डेली रिफ्रेश होगा, और इवेंट तो ये बहुत दिन तक चलने वाला है, देख सकते हो 32 डेज तक चलने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर पॉइंट्स आप डेली डेली कलेक्ट करते हो तो आपका यहाँ पर 100 इजिली हो जाएगा। इसके बाद UMP फिर से आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो UMP का सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसको फिर से वहाँ पर फिर से और मिशन मिशन करना, वैसे ही आपका UMP 45 का भी स्किन मिलेगा, या फिर पैराशूट का लेना चाहते हो, पैराशूट का स्किन उतना मस्त नहीं है। तो जो भी हो आपको ऐसे ही करना होगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आउटफिट के लिए आपको 100 बोल रहा है, पैराशूट के लिए ज़्यादा होगा और UMP 45 लिए और भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको बस पहले चूज कर लेना है, पहले मतलब पहला रिवॉर्ड आपको क्या चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर डेली के डेली मिशन आएंगे, उन मिशन को कलेक्ट करना मतलब कंप्लीट करना, कंप्लीट करने के बाद आपको कलेक्ट का ऑप्शन आएगा, वैसे वैसे पॉइंट्स कलेक्ट करना। जब आपको यहाँ पर देख सकते हो कि बाई कितना पॉइंट्स आपको बोला गया है, उतने पॉइंट्स आप जब कलेक्ट करोगे तो आपको यह परमानेंट मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि आउटफिट अभी आप पहन सकते हो 7 डेज के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि आउटफिट के सामने एक बॉक्स बना हुआ है, तो आपको 7 to 8 डेज के लिए अभी मिलेगा। लेकिन जब इवेंट खत्म मतलब अगर आप इसको टोटल 100 तक नहीं रीच करके रखोगे तो आपका ये 7 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों इवेंट सारे सर्वर के अंदर ही आया है, तो आप सब लोग कर सकते हो। तो चलिए यही था वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिस्ट यू एंड पीस आउट।